जम्मू में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और इसके चलते हुए जो नाले हैं वो भी इस समय अपना रूप जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और अलग अलग विभाग जो हैं उन्होंने अपना काम किया है और किस तरीके से मॉनसून की प्रिपरेशंस की हैं। ये तस्वीरें इस समय हम आपको दुर्गा नगर वजीर लेन की दिखा रहे हैं, जहाँ पर नाले का पानी जो है इस समय अपने उफान पर है और यहाँ पर भाजपा के सीनियर नेता और पार्षद संजय कुमार बड़ू ने आज यहाँ का दौरा किया और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि यहाँ पर नाले की जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है वो घटिया क्वालिटी का हुआ है, जिसकी वजह से जगह जगह से ये नाला अब टूट चुका है और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पर क्रेट डाले जाने चाहिए ताकि आने वाले दिनों में बरसात के चलते यहाँ पर जो है आसपास के घरों को नुकसान ना हो और इसके अलावा जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं उन्हें नुकसान ना हो। इसके चलते हुए आज उन्होंने यहाँ का दौरा किया और पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू में भारी बारिश का सिलसिला जारी है और मानसून अभी शुरू ही हुआ है। इसके चलते हुए जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में भी इसी तरीके के हालात हैं और उसके चलते जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किस तरीके से काम करेगा, इसके अलावा और भी विभाग हैं जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं, इनको देखना चाहिए कि बरसात के दिनों से पहले ही ये नदी नाले जो हैं वहाँ पर काम जो है होना चाहिए ताकि नुकसान जो है वो कम से कम हो सके। आज जो भारी बारिश सुबह हुई है उसकी वजह से बहुत सारा पानी जो है हमारा दुर्गा नगर कबीर कॉलोनी वजीर लेन का नाला है इसमें आया है, जिसके कारण एक तो इसका ओवरफ्लो होने से मोहल्ले के बहुत सारे घरों में वजीर लेन में पानी घुसा है। उसके साथ साथ ही हमारी ये जो एक पुली जो हमारी कनेक्ट करती है जो दुर्गा नगर को अखनूर रोड के साथ, ये पुली ढह गई है। मैं मीडिया के माध्यम से जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर और डीसी जम्मू से ये निवेदन करूँगा कि ये जो इसकी पुली की कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था इतनी घटिया क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन थी कि बारिश के चलते ये पूरी पुली ढह गई है और बार बार हम कह रहे हैं कि ये नाला जितना भी कंस्ट्रक्शन हुई है इसमें मटेरियल बहुत हल्की क्वालिटी का लगा है और लगभग 10 जगहों से ये नाला जो है अलग अलग दीवारें इसकी टूटी हुई हैं। तो मैं डीसी जम्मू में से आपके माध्यम से अनिल लवासा जी से ये निवेदन करता हूँ कि इसकी एक प्रॉपर जाँच भी की जाए और इसके साथ साथ बरसात को देखते हुए इमीडिएट जो है इनकी दीवारों में जो क्रेट लगाए जाएं ताकि लोगों का कोई नुकसान ना हो। अगर इसका कोई भी नुकसान आने वाले दिनों में होता है इसका जिम्मेदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी। यही निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। बैठेगा वो नीचे आई बोर्ड भी उसके गाड़ी चले जाती है ये समझेंगे।